ये तो बड़ा प्रेमी है। कृष्ण का मतलब प्रेम, प्यारा, प्रेमी, कि मैंने इसके नैनों से नैन मिलाए और मैं भी इसी का हो गया, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। दूसरे का नाम क्या रखा? कृष्ण रखा। गर्गाचार्य ने गौशाला के अंदर बलराम और कृष्ण का नाम कर्म संस्कार किया। नंद बाबा ने हाथी, घोड़े, मोर, असरफिया, हीरा, मोती, द्वारा बताते हैं, अथा धन देकर के अपने गर्गाचार्य कुल गुरु को विदा किया है वहां से। ये भाग्य की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भगवान पुत्र होगा, जिसका भाग्य बड़ा होगा, उसी घर से ब्राह्मण था धन लेकर के जा सकता है, नहीं तो मेरे जैसा कोई बदनसीब पैदा हो जाए तो जनरल मार इन्वर्टर भी बंद करे, इन्वर्टर बंद करिए, बैठ जाओ। भगवान राम के रूप में जो बलराम नाम रखा और गोविंद का नाम श्री कृष्ण का नाम, इसलिए हम उस भगवान से उस गोपाल से कन्हैया से प्रेम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान का गौशाला के अंदर नामकरण संस्कार हुआ, उसी प्रकार से मेरे कन्हैया का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण नाम प्रेम का है और जिसने प्रभु से प्रेम किया वही परम धाम को गए, वहीं पे प्रभु ने अपने लीला के माध्यम से जो उखल की लीला बताते हैं, भगवान ने उखल की लीला इसलिए की थी। उखल लीला भगवान ने किस लिए की थी? उखल से बंधना, भगवान मेरे गोविंद मेरे गोपाल को उखल से मैया यशोधा ने जो बांधा था वो किस लिए बांध दिया था, ये बताते हैं कथा के अंदर आता है ये प्रकरण कि मैया यशोधा ने गोविंद को उखल से बांध दिया। जो संसार के बंधनों को मुक्त करने वाला है, जो इस संसार के पापों को काट करके उसको मुक्ति दिलाने वाला है, उसे कोई बांध सकता है? बताओ कोई तीन लोक में ऐसा है जो तीनों लोकों के बंधन को काटने वाला त्रिलोकीनाथ प्रभुता परमात्मा मेरे गोविंद मेरे कन्हैया यशोदा के महल में छोटे से बाल रूप में आए हैं, उन्हीं को मैया यशोदा बांधने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो बंध सकते हैं? वो बंधे नहीं थे, ये एक लीला थी। वो उद्धार करने के लिए एक समय नारद जी ने श्राप दिया था। नारद जी ने भी एक बार श्राप दिया था, नल कुंवर और मणि गरीब जो था उनको कहा था कि तुम वृक्ष बन जाओ। अब वृक्ष की आयु जो है वो सबसे लंबी होती है,
नागा नत्या, नाग जिसको बोलते हैं, नाग की आयु का कोई प्रमाण नहीं है। नागा नत्या क्री स्त्री पर्वतानाम, नाग की श्री राधे, आप बीच में देखो ये माताओं का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। मैं तो सभी माताओं को देख रहा हूं कि किसका ध्यान कहाँ है, कौन इस गंगा में नहा रहे हैं और कौन कहाँ जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये शब्द दोबारा नहीं मिलने, ये नौका फिर यहां नहीं आएगी। आज जो नौका है, देखो नौकाएं तो अनेक है, दोबारा जो आएगी तो पता नहीं कौन सी नौका यहाँ आएगी। ये नौका जो आई हुई है इसी में बैठ करके पार उतर लें। नारद जी ने श्राप दिया वृक्षों के रूप में। मैंने बताया था कि नाग जो होता है, नाग की आयु का कोई प्रमाण नहीं होता, नदियों की कोई सीमा नहीं होती है, पर्वतों की कोई आयु नहीं होती है। तृण रूपी जिसको तृण घास बोलते हैं, तो घास की आयु का भी कोई प्रमाण नहीं होता। उसी प्रकार से वृक्ष की आयु का भी कोई प्रमाण नहीं होता है। तेर आयु प्रमाणे में ये बिना आयु के प्रमाण की वस्तुएं हैं। हमने गंगा, गंगा नदी जो बोलते हैं, तो पता नहीं हम कितनी बार इस धरा के ऊपर जन्म लेकर के आ गए और कितनी बार हमारी अस्थियां उस गंगा के अंदर प्रवाहित हुई है। वो गंगा तो वहीं पे है। अन्य जो नदियां हैं, जमुना है या कोई भी बेहतरीनी आदि जो नदियां हैं इसी पृथ्वी के ऊपर बह रही है, वो लुप्त हो सकती है लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती, फिर जागृत हो जाएंगी। उनकी आयु का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के रूप में भगवान ने उनका अवतार करना था, तो एक है पीपल का वृक्ष, मैं आपको बता दूं। पीपल वृक्ष लगभग देखते हैं आप और उनकी पूजा भी करते हैं। एक वट वृक्ष है जो बड़का पेड़ बोलते हैं, वट वृक्ष मानी बड़का पेड़, वो भी आपका देखा हुआ है। कितना बड़ा भूचाल अगर इस पृथ्वी पे आ जाएगा, पीपल और बड़ जो होता है ना, वो कभी गिरता नहीं है। हवा से पीपल गिरेगा नहीं, कोई हजारों में एक पीपल का वृक्ष भले ही गिर जाए जिसकी जड़ें कमजोर हो। जड़ें कमजोर किस आदमी की होती है मैं आपको बता दू। जड़ें किस आदमी की कमजोर होती है, जिसके ध्यान भगवान की तरफ ना हो, उस पुरुष की, उस माता की जड़ें बड़ी कमजोर होती है। क्यों? कि भगवान की तरफ उसका ध्यान नहीं लगता। जड़े कमजोर है, जड़े कमजोर है तो थोड़ा सा भी भूचाल आया कि फलाने के घर में झगड़ा है, तो वो तुरंत प्रभाव से अपने काम को काम और रखी। अरे किस लिए झगड़ा था? सास बहू का झगड़ा था या किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा था? जड़े कमजोर है इसलिए तो उसका ध्यान तुरंत प्रभाव से चला गया। तो इसलिए मैं तो ये बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि पीपल का वृक्ष या बड़ का वृक्ष कभी भी कितना भी बड़ा अंधकार आ जाए गिरेगा नहीं। हजारों में कोई एक वृक्ष पीपल का गिर जाए तो मैं कह नहीं सकता जिसकी जड़ें कमजोर हो। ये रोड के ऊपर, मार्ग के ऊपर जो कीकर होती है, जिसको कीकर बोलते हैं, फूल के जिसमें कांटे होते हैं, वो थोड़ी सी हवा से गिर जाती है, उसको पैर नहीं होते, उसकी जड़ें नहीं होती, उसकी जड़ बड़ी कमजोर होती है। इसलिए चाहे वो माताएं हो, चाहे भैया हो, चाहे पिता हो, चाहे भ्राता चाचा ताऊ जो भी है, वो अपनी जड़ें जो है वो मजबूत रखे। अगर कोई हमारे कान में कोई थोड़ी सी भी बात कहता है और वो बात हमें अच्छी है तो उसे धारण करना है, और बुरी है तो उसे छोड़ देना है। उस कीकर की तरफ हमें उसकी तरफ नहीं गिरना, बड़ और पीपल की तरह मजबूत होकर के खड़े रहना है। इतना मजबूत कि जैसे पीपल और बड़ होता है, उसी प्रकार से भक्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मंदिर में जाएंगे तो हमारे को लोग पागल कहेंगे,
तो उनको हमें क्या जवाब देना है? मैंने आपको बताया था कि हम तो है ही पागल, जो पाप को गलाने के लिए अपने कदम रख देता है, पाना पाप का है और गहनाम गलाने का, जो पाप को गलाने के लिए प्रभु श्री राम की तरफ अपना कदम रखता है वो तो पागल है ही। तो संसार भले ही पागल कहे तो उसको जवाब देना है कि हम पागल हैं, लेकिन जड़े अपनी मजबूत रखनी है। पीपल और बड़ की तरह मजबूती से हमें उस परमात्मा की तरफ अपने कदम रखते हुए चलना है। नारद जी ने श्राप दिया, वही दो वृक्ष के रूप में थे। यशोदा के महल में बताते हैं, यशोदा जी ने स्वयं कन्हैया का कान पकड़ा था तो उस समय कह रही थी कि मेरी सास के आगे की कढ़ावनी, जो दूध गर्म करने के, दूध गर्म करके जो दूध दबाते हैं, जिसको विलोमना भी बोलते हैं, कन्हैया क्रोधित थे, गुस्से में आकर के कन्हैया ने तो लीला के रूप में उसी मटकी को तोड़ दिया। माँ यशोदा को गुस्सा आया और कन्हैया थर थर कांपने लगे कि अब ये बिलोना था, ये तो टूट गया, और मैया चांटा लगाए कि पीटेगी, और उसमें जो पत्थर से तोड़ करके कन्हैया ने माखन खाना आरंभ कर दिया। घबरा रहा है भगवान कि मैया तो पीटेगी। मैया यशोदा ने देखा और कन्हैया से कहा कि अरे कन्हैया, ये ग्वाल वाल गोल गोपियां जो है, गोपियों के याद से आप माखन चुराते हो, वो हर प्रतिदिन मुझे आकर के कहती है कि तेरा कन्हैया जो है वो हमारे घर से माखन की चोरी करता है। अरे हमारे घर में माखन बहुत है और फिर आप प्रतिदिन कभी किसी के घर से चोरी करते हो, मेरे को भुलाना मिलता है, भुलाना मिला वो तो अच्छा है, लेकिन ये तो तेरी दादी के आगे की जो झाकरी थी, जो बिलोना था, ये तो बहुत पुराना था, आपने इसका नुकसान कर दिया, बड़ा अपराधी है। अब कन्हैया के पीटने के लिए मैया ने छड़ी उठाई और कन्हैया दौड़ पड़े कि कहीं मैया आपकी पिटाई ना कर दे, आगे आगे मेरे बाल गोपाल कन्हैया और पीछे पीछे मैया, और हवेली के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। मैया बड़ी परेशान हुई और परेशान होकर के कहती है कि तेरे को बांध दूंगी। कन्हैया तो चाह रहे हैं कि मैया तेरे को बांध दे और इन वृक्षों का भी उतार हो जाए। भगवान लीला दिखा रहे हैं, मैया रस्सी लेकर के आती है। अब रस्सी लेकर के उस कन्हैया को मैया बांधना आरंभ करती है तो वो रस्सी कितनी छोटी पड़ जाती है, तीन उंगल छोटी, तीन उंगल वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी लेकर के आती है, उससे भी मैया फिर प्रयास करती है बांधने का। इस प्रकार से मैया नौ प्रकार की रस्सियों को लेकर के मेरे कन्हैया मेरे गोपाल को बांधने की कोशिश करती है। गोपाल ने विचार किया, तीन उंगल छोटा पड़ने का मतलब त्रिगुणी जो माया है वो भगवान को कभी बांध नहीं सकती है, उस त्रिगुणी माया के अंदर तो हम बंधे हैं, वो परमात्मा की जो माया है उसी माया के अंदर मेरे प्रभु मेरे कन्हैया कभी बंध नहीं सकते, इसलिए वो रस्सी तीन उंगल छोटी पड़ती चली गई। नौ रस्सियों को लेने का मतलब है नवधा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति है, वही मेरे गोविंद जो है नौ प्रकार की रस्सियों से बंधते जा रहे हैं। मेरी मैया यशोदा उन्हें बांध रही है, लेकिन वो रस्सी तीन उंगल छोटी पड़ जाती है। त्रिगुण माया के अंदर मेरे प्रभु मेरे हरि बंधे नहीं। प्रभु ने विचार किया कि अगर आप इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैया को शक हो जाएगा, एक बार तो बंधना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैया को दिखाने के लिए बंध जाते हैं, क्या जाता है। अब प्रभु उस रस्सी के अंदर मैया यशोदा के सामने बंध जाते हैं और मैया कन्हैया को बांध करके विचार करती है कि अभी तो ये छोटा है, यहाँ कोई फूटी वगैरह
या किसी वृक्ष से बांधने के बजाय उखल जो है उसी से बांध देती। जो घर में हम खिचड़ी बनाते थे, पहले खिचड़ी बनाने के लिए काठ का उखल और मुसल होता था, उखल में खिचड़ी वगैरह कूटते थे। अब तो मेरे विचार से किसी किसी के घर में होगा, उसी उखल से मेरे गोविंद मेरे कन्हैया को मैया यशोदा बांध देती है, और बांध करके मैया अपने काम को लग जाती है। कन्हैया ने विचार किया कि सभी समय आ गया है, और कन्हैया अपने दोनों पैरों से और हाथों से चलते हुए और वो वृक्षों के बीच से निकल गए। बीच से निकलने की कोशिश करते हैं तो उखल जो था वो थोड़ा बड़ा था और दोनों वृक्षों पे लग जाता है। अब कन्हैया भटे हुए हैं, प्रभु से तो कुछ भी दूर नहीं था, लेकिन लीला के लिए प्रभु अपनी धीरे धीरे ताकत लगाते हैं। जैसे बच्चा कोई वस्तु को खींचता है तो बच्चे की आवाज बड़ी प्यारी लगती है, और वो क्या करता है, ताकत लगाता है। तो उसी प्रकार से वो गोविंद मेरे कन्हैया उखल को धीरे धीरे खींच रहे हैं और वृक्षों को हिला हिला करके, और दोनों वृक्षों को उस धरा के ऊपर धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए। आवाज सुनी और मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया की तरफ देखा, रे कन्हैया तो वृक्षों के बीच में फंसा हुआ है। मैया ने कन्हैया को उठाया और सीने से लगाया रस्सी को खोल करके, और अपने कान को पकड़ लिया कि ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैंने तो इस कन्हैया को बांध दिया था, लेकिन मेरा कन्हैया बड़ा फलिया है। दोनों वृक्षों से निकला और ये दोनों वृक्ष गिर गए। अगर मेरे गोपाल या मेरे कन्हैया पे गिर जाते तो पता नहीं क्या होता। मैया बार बार अपने कान को पकड़ती है कि मुझसे बड़ी भूल हुई है, बड़ी भूल हुई है। तो प्रभु ने उखल की लीला किस लिए की थी? प्रभु ने उखल की लीला इसीलिए की थी, नारद के द्वारा जो श्रापित थे उनका श्राप उतारने के लिए मेरे गोविंद ने उखल लीला की और उन दोनों का मोक्ष किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी प्रकार से मेरे गोविंद ने बकासुर राक्षस का उद्धार किया, जो बगुले के रूप में, बकासुर नाम बगुला जो होता है, बुगला जिसको बोलते हैं, बुगले के रूप में कंस का भेजा हुआ राक्षस आया। ग्वाल वाल थे तो कन्हैया की आयु उस समय बताते हैं 5 वर्ष। कितनी थी? 5 वर्ष की कन्हैया की उम्र थी। और कन्हैया को नंद बाबा ने छोटे जो बहू का बछड़ा जो होता है, बछड़ा चराने का आदेश दिया। वही गोविंद 5 वर्ष के छोटे छोटे गऊ के बछड़ों को घुमाने के लिए गोकुल से वन की तरफ चराने के लिए चले जाते। वही बकासुर नाम का राक्षस जो था, देखता है कि कन्हैया आ रहे हैं, इसको तो यही मारना है। तो पहले तो जो ग्वाल वाल थे उनको सभी को अपने मुख में रख लिया, और फिर कन्हैया दी गए। देखा कि कन्हैया अब इनको देख करके अंदर तो आएगा, और जैसे ही कन्हैया ने अपने कदम बगुले की तरफ बढ़ाए तो बगुले ने अपनी एक चोंच नीचे और एक ऊपर रखी हुई थी। कन्हैया उस चोंच के बीच में खड़े हो गए और सभी से आग्रह किया कि ग्वाल वाल सभी बाहर आ जाओ, मैं इसकी चोंच के अंदर खड़ा हूँ। तो वो ग्वाल वाल सभी बाहर आ गए और गोविंद उस बगुले के पेट में चले गए। भगवान की लीला देखना कि ग्वाल वालों को मुक्त कर दिया और स्वयं उस राक्षस के पेट में बैठे हैं। ग्वाल वाल दौड़े और जाकर के यशोदा से कहा कि मैया कन्हैया को एक बगुले ने खा लिया, एक बगुले ने अपने पेट में रख लिया कन्हैया को, वो बगुला खा गया है,
मैया यशोदा दौड़ी, आंखों के अंदर अश्रु पात था कि मेरे कन्हैया को किसने रिगल लिया है, किसने खा लिया है। मैया दौड़ी दौड़ी वहां आती है और दूर से जब वो बगुला देखता है तो देखो मैं मां की ताकत का आपको अंदाजा बता देता हूं। यशोदा मैया ने कहा कि अरे बगुला, तूने मेरे कन्हैया को खाया है, तेरे पेट में अग्नि लग जाए, तेरे पेट में अभी इसी वक्त ऐसी अग्नि उत्पन्न हो जाए कि मेरे कन्हैया को आप वपन, जो उल्टी जो बोलते हैं, वपन के द्वारा वापिस निकालो। और बगुले के पेट में बताते हैं कि यशोदा के श्राप से अग्नि उत्पन्न हो गई और वो उस अग्नि को सहन नहीं कर पाए और गोविंद को बाहर निकालने लगे अपने पेट से। कन्हैया को बाहर निकालने के लिए जैसे ही बगुले ने प्रयास किया और कन्हैया उसकी चोंच के ऊपर वापिस आकर के एक अपने पैर को नीचे रखा और एक हाथ से उस चोंच को पकड़ा और अपने शरीर को थोड़ा विशाल बनाया और बगुले को दो भाग में कर दिया और उसे बकासुर का अवतार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार से कन्हैया ने बकासुर का अवतार किया। नृपासुर नाम का एक राक्षस है, बछड़े के रूप भगवान श्री कृष्ण को तो बछड़ा चलाने का ही आदेश था। 5 वर्ष का भगवान है तो उसको आदेश कितना था कि जो गऊ के छोटे छोटे जो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, बच्चे को तो बच्चा ही अच्छा लगता है। तो हे मेरे कन्हैया, आप ये छोटे छोटे जो गऊ के बछड़े हैं इनको ही आप चराते रहो, बड़े हो जाओगे तो गाय चरा लेना, अभी तो आप छोटे हैं इसलिए बछड़ों को चराओ। तो वही बछड़े रूप में राक्षस से आया और गोविंद ने पहचान लिया। भगवान से तो कोई को नहीं था क्योंकि वो सब बछड़ों से अलग था, राक्षस था। कन्हैया सभी बछड़ों से बोलता है कि हम लीला करेंगे आपसे, हम आपसे भी खेलेंगे। जैसे बच्चा बच्चे के खेल के बड़ा खुश होता है तो उसी प्रकार से मेरे गोविंद भी बछड़ों के अंदर बछड़े को चरा रहा है। बछड़ों का भी उस गोविंद से प्रेम था तो सभी बछड़े उस गोविंद के साथ कन्हैया के साथ खेल रहे हैं और खेल खेल में मेरे गोविंद कभी किसी बछड़े की पूंछ को पकड़ते हैं तो प्रेम से घुमा रहे हैं, कभी किसी के चरण पकड़ रहे हैं प्रेम से घुमा रहे हैं। वो इसलिए लीला कर रहे हैं कि बछड़े के रूप में जो राक्षस आया हुआ है, वृतासुर नाम के राक्षस को बछड़े के रूप में आया, उसका उतार करने के लिए गोविंद ने धीरे धीरे जैसे ही उसका नंबर आया बछड़े के रूप में राक्षस की पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ को पकड़ के विचार किया कि पैर से ना मार दे, इसलिए उसके पैर भी पकड़ लिए और इतनी जोर से घुमाया और वृक्ष ताड़ के वृक्ष को उसको जोर से पीट दिया, पीटने से उसके प्राणों का हनन हो गया और वो भी भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार से भगवान ने उस राक्षस का भी उद्धार किया। तो उसी प्रकार से हम भी उस परमात्मा का अगर चिंतन करेंगे, भय करें तो परमात्मा जैसा चिंतन करें तो हरि ध्यान लगाकर के, इसलिए इस लोका में करने के लिए मीठी मीठी तालियों के साथ गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय विष्णु जी, जय जय ब्रह्मा जी।
कन्हैया लाल की जय। कन्हैया अपने मित्रों के साथ गोकुल में खेल रहा है। जिस समय कन्हैया का जन्म हुआ था उसी समय मैं आपको बता दूं राधिका का जन्म भी हुआ था। लाडली का जन्म भी कन्हैया के साथ ही हुआ था। तो लाडली के नेत्र जो थे वो नहीं खुले थे। लाडली के नेत्र कन्हैया के दर्शन होने से ही अपनी आंखों ने खोली थी। उससे पहले राधा की आंखें नहीं खुली थी। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता, हम भी पैदा होकर के आए थे, तो भगवान मेरे गोविंद ने ये पांच भौतिक शरीर दिया था। तो हमने उधर से बाहर आते समय प्रभु से एक प्रश्न किया कि हमारी एक चीज आपके पास है, हमारी एक चीज। जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान सब कुछ दे करके हमें भेज रहा है, एक चीज बकाया रखता है। तो कहा कि वो चीज भी हमें साथ ही दे। तो मेरे गोविंद ने कहा था कि नहीं, आप चलो, आपको बाद में मिल जाएगी। वो कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जो भगवान बकाया रखते हैं, हमें पैदा होने के बाद में मिलती है, कौन सी चीज है बताओ। किसी को ध्यान है क्या, या ध्यान करवा देता हूं मैं। अगर कोई आपसे प्रश्न कर ले तो सभी को बताना है कि जब हम पैदा होते हैं तो ये दांत जो है ये नहीं होते हैं। मेरे गोविंद भगवान जो है पैदा होने के बाद में ही छठे महीने के बाद में हमारे दांत जो है वो आरंभ करता है। जब हम भगवान पैदा होते हैं तो भगवान क्या करता है कि आप पैदा हो करके जाओगे तो मेरा जो मार्ग है वो बड़ा झीना मार्ग है, इसलिए आपकी जो जीव्या है वो कहीं इन दांतों के बीच में आकर के कट न जाए। आप हमसे वादा करते हैं कि मैं इस धरा के ऊपर जाऊंगा तो आपके भजन करूंगा, इसलिए जो दांत है वो मैं आपको पैदा होने के बाद दे दूंगा। तो कोई भी बालक पैदा होता है तो दांत प्रभु कब देता है, बाद में देता है। और ये शरीर, ये उंगली, पैर, हाथ, आंख, सब कुछ प्रभु देता है, हमें दांत बाद में देता है। और ये जीत्या जो है ये भजन करने के लिए ही तो मेरे गोविंद ने दी थी। वो अपने सखा मित्रों के साथ गोकुल में खेल रहा था। उसी गोकुल में जमुना नदी बह रही है, उसी जमुना के अंदर कालिया नाम का नाग अधिक गहराई थी, वहां जमुना के अंदर रहता था। नाग की आदत बड़ी दुष्ट थी, क्रोधी किस लिए था कि गरुड़ जो है ना, गरुड़ का और नाग का परस्पर बैर भी होता है, मैं आपको बता दूं। तो उस जगह पे गरुड़ नहीं जाते थे जहां कालिया छुपा हुआ था। गरुड़ों को श्राप लगा हुआ था कि यहां आएंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कालिया नाग गरुड़ से के भय से वहां छुपा हुआ था। और वहां छुप करके भी उसने क्या किया कि वो अपने क्रोध के द्वारा उस जमुना नदी के अंदर विष को छोड़ता तो उस जल को कोई भी पान करता तो वो मर जाता। अब कन्हैया ने तो लीला करनी थी, उतार करना था। मेरे गोविंद वहां खेल रहे हैं और खेलते खेलते अपने सखाओं से कहते हैं कि चलो आज जमुना के तट पर हम खेलने के लिए चलेंगे। और वहां जमुना पर जाकर के सभी को मेरे साथ खेलना। अरे वहां नहीं जाएंगे, आप तो ऐसी जगह का नाम ले रहे हैं जहां पे कालिया नाग है और वो हमें डस लेगा। हमारे माता पिता चाचा ताऊ हमें समझाते हैं कि आप नगर में कहीं भी खेल लीजिए लेकिन काली भेदे न जाए क्योंकि वहां कालिया रहता है। काली भेदे अगर आप जाओगे तो कालिया नाग आपको डस लेगा। तो हम नहीं जाएंगे, सभी भयभीत थे, लेकिन मेरे गोविंद ने राधा के भ्राता सुदामा, कुछ लोग कह देते हैं कि सुदामा वो थे कौन से जो संदीपनी ऋषि के आश्रम में मेरे गोविंद ने विद्या
पत्नी थी, वहाँ सुदामा से मित्रता की थी, वो प्रकरण आएगा तब मैं आपको बोल करके बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि राधा जो थी उसके भाई का नाम भी सुदामा था। वो वही के भगवान के सखा थे, भगवान ने उसको खेलने के लिए खुश किया। उसी को देख करके और भी ग्वाल बाल भगवान के साथ गए, कहा कि हम उसे काली धे की तरफ चरण नहीं रखेंगे, उससे इधर ही खेल लेंगे, चलो आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। गोविंद अपने मित्रों को प्रसन्न करता है तो वहां जाकर के बोल लेकर के, पहले बोल किस चीज की थी, आज तो हम बाजार से जाते हैं गेंद जिसको बोलते हैं वो लेते हैं तो क्या करते हैं, पैसे का तो किसी के पास अभाव है ही नहीं, चाहे वो चमड़े की हो प्लास्टिक की हो या रबड़ की हो, लेकिन पहले हम अपने घर में कोई पुराना वस्त्र होता था उसी की गेंद बना करके खेलते थे। अब वो गेंद किसकी थी, जो सुदामा था उसकी थी कपड़े की। अब कन्हैया ने मौका देखा खेलते खेलते और काली धे की तरफ उस गेंद को फेंक दिया। अब जैसे ही वो गेंद जाकर के जमुना में कालिया नाग के पास गिरी, सुदामा ने कहा कि ये कन्हैया मैंने तेरे को पहले कहा था कि वहां अगर खेलेंगे तो मेरे पास तो ये एक ही बोल है और आप इसको पता नहीं कहां भेज दोगे, ये भूल जाएगी। भगवान की तो लीला थी, गोविंद की तो ऐसी लीला थी कि वो सुदामा कहता है कि मैं खेलूंगा तो उसी बोल से खेलूंगा। गोविंद कहता है कि रे भुगवाल बाल में कहते रे सुदामा मान जाओ, यहाँ तो कालिया रहता है और ये कन्हैया अगर जिद्दी करके चला गया तो कालिया इसको डस लेगा। मैं कल अपने घर से नए कपड़े की बोल बना करके मैं आपको दे दूंगा, वो तो पुराने कपड़े की बोल थी। लेकिन सुदामा नहीं माने, नहीं मैं तो उसी बोल से खेलूंगा। बाल हट राज हट और त्रिया हट, ये अगर अपने हट के उतर जाए तो उसको पूरा करती है। मेरी माता ही बुरा न मान जाए कहीं, इसलिए मैं कुछ बातें छुपा के रखता हूं। अगर बालक हट कर लेता है तो वो क्या कहेगा, अगर ऊंट होता ना ऊंट को ये कहेगा कि इसको इस खिलौने को इसमें डाल दो, और वो नहीं आएगा तब भी हम उसे मनाने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करते हैं। और बालक जो है वो हट करता है, उसी प्रकार से बाल हट दूसरा हट है त्रिया हट। अगर त्रिया ये कह दे कि आज मैं अपने मायके जाऊंगी और उसका पति अगर ये कहे कि आज की बजाई कर चलेगा तो वो नहीं मानती, इसलिए इस हट को त्याग देना चाहिए। हट करना हमारा कर्तव्य हमारा धर्म नहीं है। तीसरा है राज हठ, जिसको कहते हैं राजा अगर हठ कर ले तो निर्दोष इंसान को भी फांसी पे चढ़ा देता है। उसी प्रकार से सुदामा ने बाल हठ में हठ लगा दिया कि नहीं खेलूंगा तो मैं इसी बोल से खेलूंगा और कोई बोल मैं नहीं लूंगा। मेरे गोविंद ने बार बार विनय किया कि हे सुदामा अगर आप नहीं मानोगे तो मैं बोल लेने के लिए चला जाऊंगा। सुदामा कहता है कि मुझे पता नहीं, चला जाऊंगा बार बार बोलता है, अगर जाना है तो अभी चला जा और अभी मेरी बोल लेकर के आ। मैंने बोल दिया कि मैं खेलूंगा तो इसी बोल से खेलूंगा। अब फिर गोविंद मनाने के लिए कहता है जाऊंगा तो वहां कालिया है और कालिया है तो मेरे को खा जाएगा। मुझे पता नहीं आपको कालिया खाए या जमुना भी डूब जाए, मैं तो खेलूंगा तो इसी बोल से। अब गोविंद ने विचार कर लिया कि सही काम हो गया। मेरे गोविंद विचार है और
जैसे मेरे गोविंद जा रहे हैं, अगर उसी प्रकार से मैंने बताया था लोकों में बैठे हुए संत जो है वो प्रभु की मदद कर रहे थे, उसी प्रकार से सुदामा भी गोविंद की मदद ही कर रहे हैं, गोविंद जैसे जा रहा है। वट वृक्ष में ऊपर कन्हैया चढ़े और जमुना के अंदर छलांग लगाई धड़ाम से, और कहां चले गए कालिया के। अब कालिया सोया हुआ है, कालिया नाग सो रहा है, बंद हो गया था। भगवान ने छलांग लगाई और कहां पहुंच गए कालिया के। कालिया नाग जहां सोया हुआ था मेरे गोविंद वहां गए, और गोविंद ने देखा कि ये तो सोया हुआ है, जाकर के उसकी पूंछ को, कालिया की पूंछ को भगवान ने अपने पैर से बताते हैं कि ऐसे दबाया। नाग जो होता है उसको हम हमारे घर में अगर कोई सांप निकल जाता है तो नाग जो होता है वो निकल आए तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, अगर छेड़ेंगे तो वो डसेगा, अगर नहीं छेड़ेंगे तो वो चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन मेरे गोविंद ने तो सोए हुए नाग की पूंछ पे पैर रख दिया। जितने तो ज्यादा क्रोधी इंसान होता है वो कहता है, क्या कहता है कि सांप की पूंछ पे पैर मत रख, नहीं तो डस लेगा, मैं तो वही नाग हूँ। तो क्रोधी आदमी गुस्से में यही तो कहेगा कि मैं वही क्रोधी नाग हूँ, तू नाग की पूंछ को दबा रहा है, तू मुझे उकसा रहा है। तो मेरे गोविंद ने किसको उकसाया, उस काली नाग को उकसा दिया, उसकी पूंछ पे पैर रखा बार बार, और नाग की नींद टूटी, कालिया की नींद टूटी, और उसने फुकार लगाई, कन्हैया का पूरा शरीर नीला पड़ गया, और नाग ने अपनी पूरे शरीर की बताते हैं कि कन्हैया की ऐसे आटी लगाई। अब कन्हैया ने तो विचार किया कि इसने तो तेरे को जकड़ लिया है, तो कन्हैया ने अपना शरीर वहीं पे भरवाना आरंभ कर दिया, नाग से छुटने के लिए कन्हैया ने अपना शरीर फैलाना आरंभ किया, और वो शरीर छुटवाया, और वहीं से उसने नाग को पीटना आरंभ किया, बोल को उठाया और नाग के फड़ों पे वहीं से उसी जमुना जी के अंदर से इतना कालिया को परेशान किया कि उसी नाग की जो नागिन थी तो पत्नी थी, उसने कहा कि आप मेरे इस नाग देवता को छोड़ दे, मेरे पति देव को छोड़ दे। उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हम इसको ऐसे छोड़ने का नहीं हो। उसी नाग के फन के ऊपर मेरे गोविंद नाच करते हुए जमुना से बाहर आते हैं, नाचते हुए नाग के इस प्रकार से फण है, मेरे गोविंद एक पैर के ऊपर नाच रहे हैं, और उस नाग के ऊपर नाच के नृत्य करते हुए बाहर आते हैं, वही नाचता हुआ कन्हैया जमुना में बाहर आता है। ग्वाल बाल जाकर के माँ यशोदा से कहते हैं कि कन्हैया तो जमुना में कूद गया, काली देव में कूद गया, और मैया दौड़ी दौड़ी आती है, और जमुना के तट पे अचेत हो जाती है। हो श्याम तेरे काम बड़े अचरज धरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज धरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज धरे, हो श्याम तेरे काम बड़े अचरज धरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, हो कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे।
गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे तेरे काम बड़े अचरज भरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे माता यशोदा जमुना के तट पे जाती है चेत अवस्था में हो जाती है कन्हैया नाग के फणों के ऊपर नाच करते हुए अपनी बंसुरी से उस नाग के फणों को नाचना आरंभ कर दिया। नाग के फणों को भगवान ने पीछे नाथा कोई हथियार नहीं था बंसी से मेरे गोविंद ने बंसी के द्वारा उस नाग के जो फण थे उनको नाच दिया और कहा कि आप इसको छोड़ करके चले जाए। वो नाग पर्वत के ऊपर उस स्थान को छोड़ करके चला गया। कन्हैया अपनी माँ के पास आया यशोदा की अचेत अवस्था हटी तो कन्हैया ने क्या कहा कि मैया अगर आज इस जमुना के अंदर आप मेरी योग में कूद जाती तो आने वाले कलयुग में माँ के सामने पुत्र कभी नहीं मरता। वो माई यशोदा किसके लिए मेरे गोविंद के लिए मेरे कन्हैया के लिए अगर जमुना में कूद जाती तो माँ के सामने पुत्र कभी नहीं जाता। आज कलयुग में मेरी माताओं को पता है जिसने इस बात का भोग लिया कि जिस माँ के सामने पुत्र गया है वही माँ उस पुत्र के अभाव को समझ पाती है। ये मेरे गोविंद की लीला वो कालिया पर्वत के ऊपर चला जाता है और मेरे गोविंद अपनी माँ को लेकर के नगरी में आ जाते हैं। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। वही मेरे गोविंद 7 वर्ष की आयु में एक लीला करते हैं। कार्तिक महीना कार्तिक का जो महीना था तो हमारे पुराने समय में अबका तो मेरे को पता नहीं है लेकिन मैं छोटा था तो मैंने देखा है सुना भी है कि कार्तिक का महीना जो है वो नहाना चाहिए। कार्तिक नहाने का मतलब कार्तिक अपनी भाषा में बोले मैं कार्तिक नहाता हूं। वही उस नगर की जो औरतें थी उस कार्तिक मास में स्नान करके अपने कात्यायनी देवी का पूजन किया करती थी प्रातः जमुना में स्नान आदि करती थी और प्रातः मेरे गोविंद का कीर्तन करती थी भगवान का स्मरण करती थी श्री राम का सत्संग करती थी। तो वो नीम स्तर जमुना में स्नान करती गोविंद को भगवान को नारायण को पता था क्यों नहीं आ जाए मेरी माताओं को इन भगवान के जो पार्षद थे वो गोप गोपियां वहां आए हुए थे। तो ये शिक्षा के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि गोविंद ने किसी के कोई वस्त्र नहीं उठाए लेकिन वस्त्र उठाने का कारण मैं आपको बता देता हूँ वो वस्त्र किस प्रकार से भगवान ने उठाए। वो नी वस्त्र स्नान कर रही थी गोपियां मेरे गोविंद ने उनके वस्त्र उठाए और वट वृक्ष के ऊपर बंसी बजाई। वो समझ गई कि ये गोविंद गोपाल का नहीं आचो है इसीलिए अपने वस्त्र उठा लिए। सभी की दृष्टि गई तो वस्त्र नहीं थे। उन्होंने कहा गोविंद है कन्हैया हमारे वस्त्र जो है वो वापस लौटा दो। गोविंद ने कहा मैं आपके वस्त्र वापस दे दूंगा मुझे एक वचन दे दो। वो सखियों ने क्या वचन दिया पता मेरे गोविंद ने क्या समझाया कि ये जल जो है ये देवता है। ये कौन है जल देवता है और देवता पुरुष है न कि नारी है। कौन है पुरुष है
और इसी जल देव के अंदर आप ही वस्त्र अगर स्नान करते हैं तो आपको कौन देख रहा है? जल देवता देख रहा है। आप सभी से छुप रही है लेकिन आपको देखने वाला तो आपके पास है, वो जल देवता आपको देख रहा है। तो मुझे ये वचन दे दे कि आज से नी वस्त्र कभी भी नहीं नहाएंगे। जितनी भी सखियां थी उन्होंने कहा कि कन्हैया ठीक है, हम आज से कभी भी नी वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। तो मेरी माताओं से विनय है कि कोई भी माता अगर नी वस्त्र स्नान करती हो तो कितना बड़ा पाप है वो आप समझ गए होंगे। वो कभी भी नी वस्त्र, पुरुष हो चाहे नारी, किसी को नी वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। भागवत में खाली शिक्षा के लिए चीर हरण जिसे बोलते हैं, मेरे गोविंद ने समझाने के लिए इतनी ही बात बताई है। इसी बात को अगर हम बड़ा करें तो बहुत बड़ी है और समझे तो बहुत समझदारी की बात है। इसीलिए आज से जितनी भी सखियां हैं वो नी वस्त्र कभी स्नान मत करना। मेरे गोविंद ने सभी को ये संदेश दिया और सभी के वस्त्र दिए। वही मेरे गोविंद जो है वस्त्र दे करके और चल पड़ते हैं सखियां सभी, वहां से स्नान करके अपने प्रभु का भजन करती हुई अपने नगर में आ जाती है। मार्ग मंसिर जिसको बोलते हैं, मार्ग शीर्ष महीना मेरे भगवान गोविंद एक बंसी की लीला कर रहे हैं। बंसी लीला समझते हो? बंसी लीला का मतलब बात हुई तो थी मेरे गोविंद की, काठ की थी। अगर सोने चांदी की होती तो पता नहीं क्या होता। एक काठ की बंसुरी ने पूरे क्षेत्र को, पूरे गोकुल को मोहित कर रखा था। वही बांसुरी की लीला मेरे गोविंद कर रहे हैं। सायंकाल का अन्य तो कहते हैं कि रात्रि अर्धरात्रि, रात्रि या अर्धरात्रि में, लेकिन सायंकाल का समय था वो समय ऐसा था कि जिसको हम गोधूली लगन कहे, गोधूली का मतलब गव्य चरके और नगर को आती है तो उनके चरणों से जो धूली आसमान को छू रही हो वो समय मेरे गोविंद बंसी बजा रहे। अब उस समय कोई सखी तो रसोई घर में खाना बना रही थी, कोई सखी अपनी गाय का दूध निकाल रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए सैया के ऊपर बैठी है कि बच्चे को दूध पिला के खाना बनाऊं, और कोई सखियां सायंकाल की पूजा में लगी हुई है और वहीं पे मेरे गोविंद बंसी बजा रहे हैं। और वो सखियां बंसी की आवाज को सुन करके और अपने अपने कार्य को विराम दे करके क्या करती है? ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, ओ मुस्कान तेरी बंसी पायल कर जाती है।
आवाज को सुन करके दो गोपियां जो थी वो दौड़े दौड़े आवाज सुनने के लिए, उस बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए वो गोपियां जो है वो दौड़े दौड़े मेरे गोविंद के पास। आज भी देखो लीला होती है वहां पे, आज भी लीला है भगवान की वृंदावन के अंदर, आज भी राज करते हैं वही मेरे गोविंद। जब बंसी बजाते हैं तो बताते हैं गोप गोपियां आज भी आते हैं, लेकिन जो रास लीला जहाँ करते हैं वहाँ गोपियां ही जाती हैं। उस रास लीला में तो गोपियां ही जाती हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे गोविंद ने जो बंसी बजाई तो वहां गोप गोपियां बंसी की आवाज सुनी तो कोई अपने मंदिर को छोड़ देती है और कोई अपनी गाय को दूध निकालते हुए दौड़ करके दौड़ती है, कोई रसोई में फलका बनाते हुए खाना बनाते हुए दौड़ पड़ती है और क्या कहती है, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, इस लीला को कितना भी बड़ा बताएं, कितना भी भजन गाएं, कितना भी वो करें, भगवान की लीला कोई लिख नहीं सकता है, भगवान के गुणों का कोई गुणगान नहीं कर सकता है। अथाह गुण है भगवान के, गोपियां तो भगवान के गुणों को कभी समझी ही नहीं, उन्होंने तो स्वयं मेरे गोविंद से प्रेम था, वो प्रेम की लीला कल आएगी। उसी प्रकार से उसी नगर के अंदर एक दिन जैसे हमारे घर में कोई त्योहार होता है ना, कोई भी उत्सव आदि होता है तो हम क्या बनाते हैं, दीपावली के दिन क्या करते हैं, हम मिठाई बोल लेकर के आते हैं माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। उसी प्रकार से मेरे गोविंद के घर उत्सव था। किस चीज की खुशी थी मैं आपको बता दूं कि वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, इंद्र को अपना इष्ट मानते थे, अपना भगवान मानते थे।
कन्हैया छोटे थे तो उस घर के अंदर पूरी कचौरी समोसे या पहले बेसन से जो बनने वाली वस्तुएं हैं पकौड़े आदि जो हम बना रहे थे, हम तो हम मिठाई बाजार से लेते, पहले घर में बनाते थे। गोविंद ने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, आप एक कचौरी मुझे दे दो, खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। मैया ने धमकाया, अरे लल्ला आज तेरे को बड़ी भूख लग गई, पहले हम अपने इष्ट की पूजा करेंगे, उसके बाद आपको खाने के लिए देंगे। गोविंद ने कहा कि मैया कौन है, किसकी पूजा करोगे? अरे वो अपना भगवान है। वो भगवान कैसा है? अरे वो कैसा क्या है, उस भगवान की हम पूजा करेंगे, वो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर के वो बरसात करेगा, वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो हमारे खेत खलिहान में क्या होगा, अन्न होगा, और उसी अन्न से हमारी भी पुष्टि होगी और पशुओं का चारा भी हमें मिलेगा। इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, वही हमारा भगवान है। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि भगवान तो स्वयं खुद है, और देख तेरे को छोड़ के मेरी मैया जो है इंद्र को पहले खिलाए, लेकिन वहां भी अपनी लीला नहीं दिखाई, डांट मारी और वो अपने पिता के पास गया। नंद बाबा को जाकर के मेरे गोविंद ने कहा, बाबा अरे क्या हुआ मेरे कन्हैया, क्या हो गया? कन्हैया ने कहा कि बाबा मैया ने मुझे फटकार लगाई है। फटकार मतलब डांट लगाई है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अरे मैंने तो एक कचौरी खाने के लिए मांगी थी, मैया ने कहा कि पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे और फिर हम आपको ये प्रसाद देंगे। गोविंद ने कहा कि ऐसा कौन भगवान है, आप उसी को मांग रहे, क्या कभी उस भगवान ने आपसे वार्तालाप किया? नहीं किया। पिता ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि उस भगवान ने हमसे कभी वार्तालाप नहीं की, कभी दर्शन किया, हमें दर्शन भी नहीं हुआ। हम तो इतना ही जानते हैं कि हम उसका भोग लगाते हैं, वर्षा होती है, हम अपने खेत हैं, उनमें हल चलाते हैं, अन्न पैदा होता है, पशुओं को चारा मिलता है। अरे तो छोड़ दो ऐसे भगवान को पूजने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बरसात जो है ये तो स्वतः ही होती है, वो कोई इंद्र नहीं बरसाता। बाबा ने कहा नहीं कन्हैया आपको पता नहीं, आप तो छोटे बालक है, आपको क्या पता? बाबा नहीं, बरसात तो एक प्रकृति की देन है। बाबा बरसात तो फिर भी होगी, अगर आप उसको नहीं भोग लगाओगे तो बरसात तो अपने समय पे होगी। अब कन्हैया बार बार समझाता है कि आप इस भगवान को छोड़ दो और एक भगवान हो रहे जो हमें सब कुछ प्रदान करता है। वो भगवान कौन है? गिरिराज। गिरिराज भगवान है, आप एक बार उसकी पूजा करके देखिए, वो आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे, आपसे वार्तालाप भी करेंगे और वर्षा भी होगी। कन्हैया ने क्या कहा कि उस गिरिराज भगवान को मानिए, वो आपसे वार्तालाप भी करेगा और वर्षा भी होगी, और उसी गिरिराज की नगरी में हम बसे हुए हैं, और उसी गिरिराज प्रभु को हम भूल रहे हैं। ये मथुरा वृंदावन गोकुल जो भी है ये गिरिराज के क्षेत्र में आता है। कन्हैया ने बताया, ठीक है कि कन्हैया मैं विचार करता हूं, नंद बाबा ने अपने नगर के प्रमुख थे,
बड़े लोग थे उनको बुलाया और सलाह करी कि कन्हैया ऐसे ऐसे कह रहा है कि हम क्यों नहीं उस इंद्र को छोड़ करके, और कन्हैया जो कह रहा है जिसके हम क्षेत्र में रह रहे हैं उसी गिरिराज को की पूजा करें, उनको स्नान कराएं, उनको प्रसाद का भोग लगाएं, वो हमसे वार्तालाप करेंगे। वो गिरिराज जो था वो कौन था? वो गिरिराज पर्वत जो है वो कौन था? रामावतार में जिस समय समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया था, बानर भालू राज जो थे वो सभी पत्थर उठा उठा करके उस पुल के लिए लेकर के आ रहे थे। नल और कुबेर था उनको श्राप लगा था ऋषि का कि तुम्हारे हाथ से जो वस्तु समुद्र के अंदर या किसी जल में डालोगे तो डूबेगी नहीं। वही श्राप के कारण वो श्राप भी कभी वरदान में बदल जाता है। तो बंदर भालू पत्थर लेकर के उनको प्रदान करें और उस पत्थर के ऊपर क्या लिखा जा रहा था? राम से बड़ा कौन है? राम से बड़ा कौन है? राम से बड़ा राम का नाम है। राम से भी बड़ा राम का नाम है जिसके नाम से पत्थर तर गए थे। राम लिखने से पत्थर जल के ऊपर से तर गए थे, तो वो राम से बड़ा राम का नाम था। इसीलिए हम कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। हमारे नगर में प्रचलित एक अर्थ है, कोई भी मिलता है तो हम राम राम करते हैं, मिलने वाले को हम क्या कहते हैं? राम 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 राम। तो हमारे मुख से कितनी बार राम निकलता है? दो बार। किसी को भी राम राम करते हैं तो क्या कहते हैं कि राम राम दो बार निकला राम का नाम। इसका बहुत बड़ा अर्थ है। रा अक्षर जो है उसके अंदर जो रे है वो कौन सा अक्षर है? जो स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं वो तो बता देंगे। 27वां जो अक्षर है वो रे का अक्षर है, और उस रे को जो मात्रा लगाई रा बनाने के लिए वो मात्रा दो नंबर की है। पहला अक्षर ए और दूसरा है आ। 27 और 2 29 मैं अक्षर है 25वां। 29 और 25 को जोड़ोगे तो 54 होगा। एक रा का राम का अर्थ 54 है। दो बार अगर राम राम कहते हैं तो क्या अर्थ होगा उसका? 108। एक माला हम बैठ करके अगर जपेंगे और एक बार किसी से राम राम कहेंगे तो बराबर का फल है। इसलिए हम राम राम करते हैं। अब राम राम करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमसे छोटा है तो हम राम राम क्यों करें? छोटा हो तब भी हम राम राम करेंगे, अगला करें ना करें लेकिन हम राम राम जरूर करेंगे। हम संस्कार देंगे उसको। अगर एक बार दो बार पांच बार दस बार राम राम करेंगे तो वो एक दिन समझ जाएगा कि ये प्रतिदिन हमें राम राम करता है, क्यों नहीं हम इसको राम राम। तो संस्कार कहां से मिले? हमारे पूर्वजों से हमें संस्कार क्या मिला? हमें क्या करना चाहिए? राम राम करना चाहिए, मेरे गोविंद का नाम लेना चाहिए। जो जिस हिसाब से जिस इष्ट को मानता चाहिए वो उसी इष्ट के नाम लेकर के उसको बताते, वो भी अच्छा है। नहीं, सबसे बढ़िया राम राम अवश्य करनी चाहिए। प्रातः उठ करके सभी क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? राम राम याद रखेंगे। सभी को याद रहेगा? सभी करेंगे पक्का? ये पक्का वचन है या वादा है? ये बताओ। सभी राम राम करेंगे। जो मिलेगा उनसे से हम क्या कहेंगे? राम राम। सबसे राम राम करेंगे तो हमारे नगर में गुंजार राम के नाम की होगी और हमारे पाप कट जाएंगे।
मेरे गोविंद अपने पिता को समझा रहे हैं, वो गिरिराज जो पुल बनाया गया तो हनुमान जी अपने हाथ से लेकर के आए, उस समय पुल का निर्माण जो था वो पूरा हो चुका था। पूरा हो गया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो अभी पहुंचा हूं, और पुल जो बनाया गया उसका निर्माण पूरा हो गया तो इस पर्वत का क्या करें। तो मेरे प्रभु राम ने कहा कि इसे वृंदावन के पास, देखो जमुना भी है वहां पे, इसे स्थापित कर दो। तो गिरिराज ने क्या कहा, प्रभु आपके चरणों के लिए मैं हनुमान जी के हाथ से आया और आपने तो मेरे ऊपर चरण भी नहीं लगाए। तो भगवान श्री राम ने वचन दिया था, हे गिरिराज द्वापर युग में कन्हैया के रूप में मैं आऊंगा और आपके ऊपर इतना मग्न होगा कि मैं चरण नहीं, मेरे सखा गऊ सभी के साथ आपके ऊपर मैं रास करूं। वही गिरिराज जिसको गोवर्धन नाम से हम जानते हैं, वही गिरिराज गऊओं के पालना करने वाला, इसीलिए उसको गोवर्धन कहते हैं। जो गऊओं के पालना करता है इसलिए हम उसको गोवर्धन के नाम से जानते हैं, उसका नाम गिरिराज है। वो गिरिराज जो द्वापर युग में जो हम पूजा करते हैं वो त्रेता के अंदर स्वयं हनुमान जी लेकर के आए थे, तो गोविंद तो उनकी पूजा करवाने के लिए अपने पिता को प्रसन्न करते हैं। नगर के लोग उस गिरिराज पर्वत की पूजा करने के लिए, जैसे हम भगवान की पूजा के लिए जल पात्र लेकर के जाते हैं, नगर के लोग बड़े बड़े भक्त घर से लेकर के आए गिरिराज को स्नान कराने के लिए और अपने अपने भाव से गिरिराज का स्नान करवाया। उसी गिरिराज का स्नान करने के लिए चले तो बताते हैं कि इंद्रदेव बड़े रुष्ट हुए। क्या हुए, रुष्ट हुए, नाराज हो गए, तामसिक थे, क्रोध था, गुस्सा आ गया और उसने विचार किया कि पूरे वृक्ष क्षेत्र को मैं आज जल मग्न कर दूंगा। अब मेरे गोविंद ने याद किया शेष नाग को, जिसके मेरे गोविंद सैन्य करते हैं नारायण, उस शेष नाग को वहां बुला लिया और डुबकी लगा दी। पता था कि इंद्र जो है ये अब क्रोधित हो चुका है, जो काली गदाएं खा गई, पूरे वृद्ध के अंदर बताते कि शेष नाग ने अपना शरीर फैला करके रख दिया कि वृद्ध देखते हैं किस प्रकार से डूबता है। उसी राम अवतार में समुद्र को पिया था ऋषि ने तीन चरों में, उस ऋषि को भी मेरे गोविंद याद करते। एक गिरिराज के कोने पे नाग देवता को बैठा देते हैं, एक कोने के ऊपर ऋषिराज को बैठा देते हैं और एक कोने के ऊपर अगर देव को स्थापित करते हैं भगवान गोविंद। पता था उनको इस बात और स्वयं वहां से लीला करने के लिए गोपियों के साथ चले गए और काली गदाएं इंद्र बरसात शुरू कर देता है और पूरे वृक्ष क्षेत्र के अंदर हाहाकार मच जाता है कि गोविंद कहां गया, गोविंद कहां गया। गोविंद तो राधा के साथ सखियों के साथ पुष्प वाटिका के अंदर कल्पनाएं कर रहे हैं। अब गोविंद ने विचार किया कि अब तो आपको चलना चाहिए। गोविंद ने विचार किया कि पूरे वृद्धवासी जो है, गोकुल के वासी जो है, वो आपको पुकार रहे हैं और आपको चलना पड़ेगा। अब गोविंद आए और सभी वृद्धवासियों से कहा कि वृद्ध क्षेत्र जो है ये जलमग्न हो जाएगा, सभी अपने पशुओं को ले लो और मेरे साथ आ जाओ।
और नगर के लोग मरते हैं गोविंद तेरे कहने पर, हमने इंद्र की पूजा छोड़ते वही इंद्र आज हमें डुबो देगा, क्या कहेगा, डुबो देगा। श्री गोवर्धन तेरी साथ की पर करे।
भैया आप लोग सभी बारी बारी से भोग लगा लें और दक्षिणा चढ़ा लें और पीछे चल के जो भी पूजन कर लें, जो अपने घर से बना के लाएंगे ना हलुआ पूरी जो भी लाए सभी अपने अपने उनसे भोग लगा लें जल्दी से। बस बस और भोग लगाएं, पीछे हो जाए, जिसको भी अगर नाचना है तो इसी गिरिराज गोवर्धन के सामने नाच ले। ये सात कोस की परिक्रमा है, वही फल आपको नहीं, 24 कोस की परिक्रमा है, वही फल आपको की परिक्रमा है और 24 किलोमीटर 21 किलोमीटर की है, तो सभी बड़े भाव से परिक्रमा लगाते हुए चलेंगे। ले हो वो तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, Oh,
गोविंद भगवान की पूजा आराम से जो पूजा कर ले वो पीछे होते जाए ताकि पीछे वाले जो है आगे आकर के और वो भी पूजा करे तो हमारी व्यवस्था जो है सही रहेगी। सभी तो भगवान के दर्शन होंगे, सभी परिक्रमा करेंगे भगवान की। जो भी अपना प्रसाद लेकर के आए हैं वही भगवान को अपना अपना प्रसाद का भोग लगाए, भाव से लगाए। भाव से लगाओगे तो भगवान है, भावना में ही भगवान है अगर मानेंगे तो भगवान है, नहीं मानेंगे तो पत्थर ही होता है। तो इसलिए भगवान को दिल से भाव से भोग लगाए। इसी प्रकार से मेरे कन्हैया ने मेरे गोविंद ने इंद्र भगवान का मान घटाया और गिरिराज की पूजा करवाई। वो गिरिराज परिक्रमा जो है 7 कोस पहले, 1 कोस का 3 किलोमीटर था इसलिए 7 किया 21। कभी कभी हमसे भी विस्मृति हो जाती है। बोलिए श्री राधे राधे राधे। कल की कथा में कंस का उतार होगा। भगवान की जो कल की लीला है वो बड़ी विचित्र लीला है। मैं उस लीला का बखान करने में इतना समक्ष नहीं हूँ क्योंकि मैं भी एक हृदय लिए मेरे पास भी है। बड़ा विदीर्ण हो जाता है जब उस भगवान के भाव प्रकट होते हैं तो हमारी आंखों से जल बहने लग जाता है। और कल एक भगवान की खुशी भी है मेरे गोविंद की, जो मैंने बताया था कि रुक्मणी मंगल जिसे बोलते हैं, तो भगवान की शादी में सभी का निमंत्रण है और भगवान के विवाह में सभी आए और रुक्मणी की शादी के अंदर भी आपका निमंत्रण है। खाते ना रसगुल्ला खाने सवार, रसगुल्ले मिलेंगे, जलेबी बनेगी, बहुत सी मिठाइयाँ होंगी, सभी को मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी। वो मिठाई हमारे पास नहीं है, वो मिठाइयाँ भागवत कृपी जो भगवान है यही आपको खिलाएंगे। हम तो आपसे यही कहते हैं कि भाव लेकर के आ जाए, आना लेकिन भाव लेकर के आना है। तो कल का जो प्रकरण है उसमें कंस का उतार होगा, भगवान की एक बहुत विचित्र लीला है उसका वर्णन करेंगे। सार्थक होगा तो कोशिश रखेंगे कि हम अच्छे से समझाएं, लेकिन जब वो लीला आती है तो हमारी आंखों से भी वो जो समय आता है तो आंखों से पानी आने लग जाता है मेरे गोविंद के नाम से। और वही मेरे गोविंद की शादी का उत्सव होगा क्योंकि मेरे भगवान की शादी तो हो चुकी है। लेकिन उस शादी का जैसे हमारे घर में बच्चा तो हो चुका है, लेकिन उस बच्चे का जन्मदिन जो बोलते हैं वो जन्मदिन नहीं है, वो जन्म उत्सव है। वही मेरे रुक्मणी मंगल का उत्सव मनाया जाएगा। आगे की बात है आपको किस प्रकार से आना है वह हमारे शास्त्री जी आपको बता देंगे। शादी में कैसे जाते हैं पहले तो ये बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होता पुराने कपड़े पहन के जाए तुम्हारे यहाँ ऐसे ही? हमारे यहाँ तो जी नई नई पहन के जाते हैं, तो आप लोग देख लेना कैसे जाते होंगे आपके यहाँ। और भैया जब भी जाते हैं ना पहले ये बताओ लड़की वालों की तरफ से कौन कौन रहेगा, आप खड़े करो जल्दी से, तो आप लोग कन्यादान लेकर के आओगे ठीक है। और लड़के वाले कौन कौन है? तो भैया ये जो बराती जिन्होंने ज्यादा हाथ खड़े करे ना ये लड़की के मोहन काम निकले हैं कुछ बनवा लिए, हाँ ये जरूरी चीजें ही बनवानी पड़ेगी तुम्हें। अच्छा भैया और देखो कन्यादान महादानम सर्वदानम सर्वप्रिय, कन्यादान का दान सबसे बड़ा होता है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपकी श्रद्धा हो जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कन्यादान लेकर के आएंगे सभी। और बड़े धूमधाम से कल भगवान की शादी में सभी सम्मिलित होंगे और जैसा कि व्यास जी आपको बता ही रहे। अच्छा आजकल जब शादी होती है ना तो खुद की जो बेटी होती है ना वही कह देती है पापा 4 फॉर्च्यूनर चाहिए कम से कम, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ तो ऐसे ही लाना हो तुम्हें भी।
ठीक है, बड़े भाव से सभी अब आरती, अब सभी बड़े भाव से आरती करेंगे। और भैया आरती आप सभी देखो, आप लोग ना केवल खड़े रहा करो और खुद ही ये जो हमारे यजमान है ना यही आरती करेंगे। और आप लोग अपने हाथों को आरती के थाल बना लें और अपने यथास्थान खड़े खड़े बड़े भाव से आरती करेंगे सभी। हरिओं चंद्रमा मनसोजा दक्षो सूर्यो अजाजत श्रोत्राजायत। और भैया आरती के बाद सभी भक्त अपने यथा स्थान बैठ जाएं, जैसे कथा सुन रहे थे ना वहीं के वहीं बैठ जाना। परिक्रमा बाद में लगाएंगे जब प्रसाद मिल जाएगा तब, और आरती भी आपके पास नहीं आ जाएगी, तो सभी को बैठ करके प्रसाद लेना है। ठीक है, अब सभी बड़े भाव से आरती कर लें। बोलो भैया आरती। कीर्तन तेरी आरती हमारी, तेरी आरती गाओ प्यारे माँ को गाओ, आरती गाओ प्यारे माँ को गाओ, तेरी हमारी तेरी आरती गाओ, प्यारे चीज बसाओ आप।
गोविंद